लो जी, झमाझम बारिश से सुबह की शुरुआत हो रही है। हालांकि हम सुबह 6:30 बजे के करीब उठे हुए हैं, तब से उस टाइम पे बारिश नहीं थी। ये तकरीबन 8 बजे के करीब जो बारिश शुरू हुई है, तो अभी 8:30 हो गए हैं, 8:30। लगातार झमाझम ये बारिश चल रही है। गुड मॉर्निंग, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक और नया दिन, एक और नई वीडियो की शुरुआत आज हो रही है, 8:45, 8:45 इन द मॉर्निंग। और यहां अपने ब्रेकफास्ट की हो गई है तैयारी, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी हुई है। रात को भी थोड़ा प्रॉपरली नींद नहीं ली, सुबह 6:30 बजे से उठे हुए हैं, काम कर रहे थे। ये महक का 5 जुलाई वाला एपिसोड जो है वो हमने एडिट कर दिया पूरा, उसके बाद इसकी रेंडरिंग चल रही है। टाइम लगने वाला है अभी, और तकरीबन आधा पौना घंटा और है। 43% हो गया है, तो पौना घंटे के करीब हो रहा है। ब्रेकफास्ट इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी। और ये रही अपनी वो ज़ीरो मैदा ब्रेड और साथ में बटर, तो भैया फटाफट से ये खा लेते हैं। उसके बाद फिर हमें रेडी होना है, बैग भी पैक करना है। टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि आज हम कहाँ पहुँच चुके हैं। और जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं वहीं पे हूँ और नई वीडियो तैयार हो रही है अगले दिन के लिए, और अभी फ़िलहाल मैं हूँ दिल्ली में और ब्रेकफास्ट की तैयारी हो चुकी है। ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। उसके बाद फिर सारा कुछ करना है, ये वीडियो भी रेंडर हो जाएगी। उसके बाद इसका थंबनेल बनाकर इसको भी अपलोड करके स्केड्यूल करके रख देना है ताकि अपने आप रिलीज हो जाए, क्योंकि हम जा रहे हैं, लगे हैं, जहाँ चले गए हैं आपको थंबनेल से पता लग गया। ऐसे नहीं बताऊंगा, पहुँच के बताता हूँ, ठीक है, बने रहो। टाइम हो गया है 11:08, ऑलमोस्ट रेडी हैं, बस टी शर्ट पहननी और निकलना है। ये आ गई अपनी दही, दही खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ह्यूमिडिटी में भी लॉस होता है ना सॉल्ट्स का, और थोड़ा सा शुगर है फॉर एड एन एलर्जी। और फटाक से दही खा लेते हैं, रेडी हो जाते हैं, तो एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। और कहाँ जा रहे हैं वो आपने थंबनेल में देख लिया है, बस मैं चल रहा हूँ, आप साथ साथ चल रहे हो। जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन, यहाँ से चलेंगे द्वारका 21, जो कि अभी आने वाली है मेट्रो। और यहाँ से दिख रही है कि जनकपुरी ईस्ट से निकल चुकी है, यहाँ से सामने दिख जाता है, राइट। सो 21 से बदली करके चलेंगे टर्मिनल 3, पहले यहाँ से 21 तक पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं। अपने फ्लाइट के टाइम के हिसाब से आ गए थे, फ्लाइट का टाइम 2:35 का था, हम आए। हालांकि हमें जो बोर्डिंग पास मिला था उस पर भी 2:35 लिखा हुआ था। यहाँ जब बैग ड्रॉप करने लगे तो उन्होंने एक और बोर्डिंग पास दे दिया मेरे को, जिस पे फ्लाइट का नया टाइम आ गया है 4:15। तो ये टाइम ऑलमोस्ट वो था कि जब फ्लाइट वहाँ जाके लैंड करनी थी, पर अब यहाँ से उड़ेगी और शाम को 6:10 पर वहाँ पहुँचने वाली है। सो फ्लाइट गॉट डिलेड, पता नहीं रीज़न क्या रहा क्या रहा, स्पाइस जेट है भाई। गेट नंबर 42B से फ्लाइट है, तो क्या करें यार, टाइम पास तो करना है ना यार, हल्के हल्के, क्योंकि अभी हुए हैं सिर्फ 1:38, ऑलरेडी 1:30, इन्होंने जल्दी बुला लिया, क्या करें। अब बैठे हुए हैं हम मौज से, अभी 4:15 की फ्लाइट है, तो तकरीबन 3:30 के करीब बोर्डिंग करेंगे, 4:15, तो तब तक वेट करते हैं। टाइम 3:36, अब शायद 10-1 मिनट में बोर्डिंग शुरू होगी। और आज तो भैया 3.5 घंटे वेट करते करते ना बुरी हालत हो गई है। चलो देखते हैं कितनी देर में होती है बोर्डिंग, फिर बोर्ड करके फिर मिलते हैं आपको। बोर्डिंग शुरू हो गई है, टाइम 4:06 ऑलरेडी हो चुके हैं, 4:06 ऑलमोस्ट इन द इवनिंग। और लाइन बहुत बड़ी होने के कारण बैठे हुए हैं यार, लास्ट में 2-3 लोग रह जाएंगे ना बोर्डिंग गेट के पास, तब उठ के चलते चलते, ठीक है। बाकी अब मिलते हैं प्लेन के अंदर बोर्ड होने के बाद। ये देखो जी, 4:15 का टाइम फ्लाइट का बताया गया था और 4:17 अभी हो गए हैं। अभी बस से पहले बस नहीं आई, जो हमारी एयरबस तक लेके जाएगी ना बस यहाँ से, वो अभी तक पहुँची नहीं है, उसी की वेट होने लग रही है।
सो दिस मीन्स कि फ्लाइट और डिले हो चुकी है ऑलरेडी। लो जी, अब आ गई है ये हमारी स्पाइस जेट की बस, जो कि लेके जाएगी एयर बस तक। ये कार बीच में अड़ी हुई थी, इसको हटाया है और अब आगे लग रही है ये बात। ये देखो, ये आ गई हमारी बस जो लेके जाएगी एयर बस तक। फाइनली बोर्डेड, 4:26, ओनली 4 मिनट्स लेफ्ट टू 4:30, और अब जाके बोर्ड हुए हैं। अभी फ्लाइट उड़ी नहीं है भाई, टाइम दिया था 4:15 का, ऑलरेडी डिलेड बाय 11 मिनट्स। अब पता नहीं कितनी देर और डिले होती है ये फ्लाइट, देखते हैं। होने लगा जी अब पीछे पुल बैक हो रहा है और रेडी फॉर टेक ऑफ। लो जी, इसने बात सुन ली है और मूव हो गया ये। ये मूव हो गया जी। टैक्सी वे पे और अब रनवे पे आते हुए हैं। चलो जी, एक्चुअल थ्रस्ट फॉर टेक ऑफ। फाइनली 5 घंटे की वेट के बाद अब हम एयरबॉर्न हुए हैं, राइट। सो रास्ते में जो भी बाहर का कुछ है वो दिखाते हुए फिर श्रीनगर जाकर दोबारा आपको मिलते हैं। जी, बादलों के बीच में से निकलते हुए, ऊपर भी बादल, नीचे भी बादल, बीच में हम। बादलों के बीच में से निकलते हुए ऊपर या नीचे कुछ भी और दिख नहीं रहा, बस जस्ट बादलों के बीच में से। लैंडिंग गियर्स भी एंगेज हो गए हैं
और अब प्लेन जो है लैंड करने के लिए रेडी है। विंग्स भी देखो बाहर की तरफ नीचे की तरफ आ गए हैं। तो अब बस बाहर की वीडियो अब और नहीं बनाऊंगा क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, बीइंग अ मिलिट्री बेस एयरपोर्ट जो है। तो अब बाहर की वीडियो बंद, सीधा मिलते हैं जब बाहर निकलेंगे। हो गए हैं जी लैंड श्रीनगर और टाइम 6:28 राइट, इट्स ऑलमोस्ट 6:30। वी हैव लैंडेड एट श्रीनगर और अभी बाहर चल के पहले से सामान लेते हैं और फिर थोड़ी देर में मिलता हूँ आपको अगले बैगेज क्लेम पे। लाइनें देख रहे हैं, भीड़, जबरदस्त भीड़ हुई पड़ी है हर तरफ बैगेज क्लेम के लिए। हमें पिक कर लिया है हमारे एक दोस्त हैं जमीर भाई, ये रहे। और फैजान भाई का कॉल आया था, बोल रहे हैं कि इनकी ड्यूटी लगाई है, ये मेरे को पिक करके होटल तक ले जाएंगे। तो फैजान भाई थैंक यू, कल वीडियो देखोगे सुबह पता लग जाएगा। तो अभी लाल चौक एक बहुत मशहूर जगह है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज भी की गई है कभी कभी, और मतलब क्या बताएं उसके बारे में, मतलब बहुत मशहूर जगह है। वहाँ उसके पास में कोई होटल है, वहाँ पे हम जा रहे हैं अभी। जब दिल्ली से चलने लगे थे तो हमारे एक फ्रेंड ने कहा था जाम में फंस जाओगे, और उसका कहा बिल्कुल सच हो गया। यहाँ जाम लग रहा है, बार बार चलते हैं बार बार रुक जाते हैं। अब ये क्यों है ढूंढना पड़ेगा भाई। भाई साहब को बोला यार चाय पिला दो, टाइम चाय का हो गया और थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही है। चाय तो बहुत मस्त है और दुकान का नाम देखो शिव शक्ति स्वीट्स। कहाँ पे हैं हम अभी? बागात। बागात एंड दिस इज प्रॉपर श्रीनगर? प्रॉपर श्रीनगर इन कश्मीर, शिव शक्ति स्वीट्स। पहुंच गया जी जहाँ पे हमारा स्टे है होटल में, बस वो चेक इन फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, फिर आपको मिलते हैं रूम में जाके। होटल का नाम कश्मीर पैलेस। किया जी चेक इन और रूम बड़ा कोजी सा है, 3 बेड हैं। अपन ने तो आते ही ये वाला एक बेड मलक लिया क्योंकि 2 लोग और आने वाले हैं, तो वो वहाँ आ जाएंगे, उनसे भी मिलवाता हूँ कौन है, बड़ा सरप्राइज होगा आपके लिए भी। और यहाँ से बाहर जो व्यू, इनका जो गार्डन टाइप बना हुआ है, ये व्यू है पीछे देखो ये, और एक पुरानी प्रॉपर्टी है और अच्छी एक प्रॉपर्टी है, यू नो। इसको अगर मैं एक्सटीरियर दिखाऊं तो ये इसका एक्सटीरियर है, कुछ जितना को यहाँ से दिख रहा है, बाकी आपको नीचे चल के दिखाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं फिर देखते हैं क्या करना है। अभी बाकी लोग 1.5 घंटा है अभी उनको आने में, दे आर ऑन द वे बाय रोड आ रहे हैं, तो जब आते हैं वो तब मिलते हैं आपको अगले अपडेट के साथ। टाइम हो गया है 9:40, ऑलमोस्ट 9:45 एट द नाइट, और अभी तक जो हमारे साथी आने थे वो अभी तक पहुंचे नहीं हैं। एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप सिर्फ दिल्ली से लेके हमारा श्रीनगर तक का सफ़र जो है वो एंजॉय करो, और उसके बाद बाकी लोगों से कल वाली वीडियो में मिलवाते हैं। इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ तक अगर देख लिया है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। कुछ अच्छा लगा या बुरा तो कमेंट्स के अंदर या ईमेल से आप अपने विचार भेज सकते हो, राइट। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगी। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।